डोईवाला विधानसभा में चुनाव मैदान में जहां भाजपा व कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, तो वहीं अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राजू मौर्य भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते आ रहे हैं। आज माजरी ग्रांट में घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान लोगों का प्यार भी उनके प्रति देखने को मिला। राजू मौर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डोईवाला विकास से दूर है, डोईवाला का दृश्य बदलने के लिए मैं इस चुनाव में आया हूं। संवाददाता से बात करते हुए और क्या कुछ कहा राजू मौर्य ने, आइए सुनते हैं। राजू मौर्य जी फिर आज एक बार माजरी में पहुंचे हैं। राजू जी किस तरह देखते हैं आज आप डोईवाला विधानसभा के माजरी क्षेत्र में, यहाँ की किस समस्याओं से आप रूबरू हैं? देखिए डोईवाला में तमाम समस्याएं हैं और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। यहाँ स्कूलों की बदहाली है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी बिजली तमाम समस्याएं हैं। कांग्रेस से भी विधायक रहे लेकिन उन्होंने भी यहाँ की समस्या का समाधान नहीं किया, तो अपने आप में बहुत सारी समस्याएं हैं। और दुर्भाग्य है बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं, इसके बावजूद किसी ने 5 साल भी डोईवाला विधानसभा में रहे काम नहीं किया। जो आज जोश और उत्साह आप में देखने को मिल रहा है, अगर आप चुनते हैं 5 साल वही जोश और उत्साह के साथ आप यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस उत्साह के साथ हम चुनाव मैदान में हैं उसी उत्साह के साथ 5 साल काम करेंगे, ताकि अगले बार जब चुनाव हो तो हमें वोट ना मांगना पड़े, केवल काम के दम पर जो हमने काम किया उस पर हम वोट। आज आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि लोगों के पास जाके माजरी के क्षेत्र में लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोगों से एक प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर उन्हें चुनते हैं तो वो यहाँ का विकास करेंगे। आप देख सकते हैं माजरी का ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपने वोटों के लिए पहुँची हुई है। अब देखना यह होगा कि 14 फरवरी को किस प्रकार से यहाँ की जनता इन्हें अपने वोट देकर यहाँ से विजयी बनाती है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।